स्क्रीन इज विजिबल। हाँ हाँ दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा दिख है। रहा है ना? ऑल राइट। हम्म। तो एनी विच वेज वो अपनी कौन सी कंपनी थी? हेलो। हाँ सॉरी सॉरी, मैं म्यूट पे था। एक बटरफ्लाई था, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब ये उड़ा कि नहीं उड़ा? और मुझे पहले से लिस्ट प्रिपेयर करके रख देनी चाहिए थी, मेरे से मिस्टेक हो गई, सो गया ना एकदम। हम्म। लास्ट वीक इसका भाव तो याद नहीं रहेगा ना अपने को। 634। 634 था ना? हाँ अच्छा ये ऐसे बना हुआ आ जाता है ये गोल गोल। सो लास्ट वीक हम लोगों ने ये कंपनी पे डिस्कस की थी ना, 634 था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे डिप मार के आया था क्योंकि मार्केट खुला ही था एकदम माइनस में करेक्ट। बिकॉज ऑफ कोविड केसेस आर राइजिंग और मेडिकेशन वगैरह है नहीं मोस्टली, तो ये आ गया था 520 तलक, राइट? अच्छा। और फिर उसके बाद में वापस से आया ऊपर, सस्टेन किया, 658 तक आया है। सो इस हफ्ते भी इसको अच्छा। रखेंगे हम लोग। हाँ, हम्म। और इसको क्लैरिस, तुमने लास्ट वीडियो देखा था? हेलो। हाँ क्लैरिस, मैंने अप्रोक्सीमेटली 30-40 मिनट्स का वीडियो व्यू किया है। ओके ओके। सो उसमें तुमको कुछ का हम लोगों ने वो मनी कंट्रोल से जाके कंपनीज वगैरह निकाले थे वो सब तुमने देखा उसके अंदर किस पे? मनी कंट्रोल? मनी कंट्रोल। मे बी यू मिस्ड इट, नो इश्यूज। हम लोग यहाँ थोड़ा सा उसको ब्रशअप कर लेते हैं। व्हाट्स अप उदय? ठीक है, हाँ चलेगा, टेरेस के लिए भी एक फिर से ये हाँ हो टेरेस के जाएगा ना। लिए हाँ ब्रशअप कर अच्छा लेते हो हैं। जाएगा। हाँ क्योंकि हाँ मेरा कर स्क्रीन ले। दिख रहा है ना इसके अंदर कुछ स्लो हाँ लैग्स तो दिख नहीं रहा हो है? रहा ना? हाँ तो नहीं, देखो लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड अ गुड कंपनी फ्रॉम ओपन सोर्स। जैसा कि अभी मनी कंट्रोल है तो हम लोग है ना मनी कंट्रोल से भी निकाल सकते हैं। मैं टाइप कर रहा हूँ, दिख रहा है ना इसके अंदर? क्योंकि कभी कभी कोई कोई पोर्शन नहीं दिखता है। दिख रहा है, दिख रहा है। 200 DMA मनी कंट्रोल। हाँ, तो क्लैरिस और मिस्टर शेख और जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर तो खाली रिकैप कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से पॉजिटिव ब्रेकआउट के लिए हम लोग है ना कंपनी निकालते हैं फ्री सोर्स से। दिस इज़ फ्री सोर्स और ये वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल रहता है। फॉर एग्जांपल ये अभी ये फ्राइडे का जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से ये फ्री सोर्स में अवेलेबल है 200 DMA, ठीक है? और फिर उसके बाद 150, 50 और 30। ऑल राइट, तो ये मेन चार चीज़ है। अब इसके अंदर से हम लोग कोई भी एक कंपनी लेते हैं। क्लारिस, यू टेल मी एनी कंपनी इफ़ यू कैन, इफ़ योर स्क्रीन इज़ विजिबल आई जूम इट लिटिल बिट। या आई थिंक वी शुड गो विथ नेस्ले। नेस्ले 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 किधर गया? हाँ इधर है, ये तो सब टाइप में आ गया है। ऑल राइट, अभी अपस्टॉक के ग्राफ पे हम लोग खोलेंगे नेस्ले। दिस इज क्लैरिस तो अवेलेबल फॉर ज़ेरोधा फ्री। यूज़ करती है कि अपस्टॉक्स यूज़ करती है? कौन सा यूज़ करती है? क्लैरिस अभी तक कुछ यूज नहीं कर रही थी। मेरे पास ना अपस्टॉक्स है ना कुछ है, आई हैव एंजल एंड आई हैव दिस कोटक, उसी में सब कुछ हो जाता है। हाँ, तो वेरी गुड। अच्छा तो अच्छा अच्छा अपस्टॉक नहीं है तो प्लीज यार इंस्टॉल करो, मैं उसका ऑथराइज पार्टनर हूँ, मेरा अमाउंट एक नंबर बढ़ेगा। क्लैरिस डोंट ट्रेड बगैर दो एक ट्रेडिंग अपस्टॉक। अकाउंट ऑलरेडी है सर। नहीं, वो ट्रेडिंग अकाउंट रखो, खाली अपस्टॉक को इंस्टॉल कर लो, एक्टिवेट इट। अच्छा अच्छा देखो अच्छा ये मैंने ओके। नेस्ले का खोला है, एवरीवन कैन सी दिस ग्राफ, राइट? आई कैन। सो क्लैरिस इफ यू हैव पेन एंड पेपर रख लो बाजू में। ओके, आई विल हैव टू ग्रैब इट, 1 मिनट। या नो डाउट, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, है ना उदय? हाँ, थोड़ा सा जूम कर लो। ये अपस्टॉक्स और जेरोधा के चार्ट में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। नहीं, चार्ट में कहीं फर्क नहीं रहता है। चार्ट में अगर फर्क रहेगा तो जितने भी रिसर्च करने वाले रिसर्चर है हम लोग जैसे सब पागल हो जाएंगे ना यार, सबका इधर उधर नहीं फेंक मतलब देंगे। जो जो फीचर्स है, जो इनके फीचर है, फीचर ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है क्योंकि ये सब है ना एक ही उस पे चल रहा है।
अच्छा, लेकिन वो ट्रेडिंग व्यू का बहुत अलग है, ट्रेडिंग व्यू ट्रेडिंग व्यू का। का बहुत अलग है, वो एकदम अलग ही है। उनका सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एक अलग वो चलता है, पेड सब्सक्रिप्शन। हाँ, कैरीज आर यू रेडी? यस। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, राइट? जैसे कि इसमें दिखता है 200 DMA पे ब्लू कलर का स्पॉट है। हाँ, तो राइट 200 DS, 200 DMA, यू राइट 200 DMA। फिर उसके बाद में यू राइट 100 DMA। ओके। ओके, तुमने वो मिस किया, इसके लिए मैं खाली ये लेक्चर में थोड़ा कवर कर रहा हूँ। हाँ, 100 ओके, एंड देन 50 DMA, ओके। 50 DMA। कोई भी स्टॉक है ना, यहाँ पर देखो मैंने लाइंस बना के रखा है, ग्राफ। यहाँ पर स्टडीज में जाओगे आप तो आपको है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर है ना मूविंग एवरेज आप टाइप करोगे तो सी, यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन 200 कर्सर गया वहाँ पर, 200, 100 एंड 50। ऑल राइट, और उसके बाद में एक MACD होता है और एक RSI, यही हम लोग का क्राइटेरिया जिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं, है ना उदय? हाँ, करेक्ट। हाँ, सो ये चीज़ है ना, आपको ना बाद में भी है ना आप देख सकते हो वीडियो में पॉज करके, तो ये सब चीज़ें आप है ना एक ग्राफ के अंदर प्लॉट करोगे। ऑल राइट, बहुत गया, ओके क्लैरिस बहुत गया? ओके। नहीं ना, नहीं 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 हाँ नहीं थोड़ा समझ बहुत रहा जाएगा बट ट्राई कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट। सो है। या लेट्स सी कोई ज्वाइन कर रहा है मीटिंग। सो अभी यहाँ पर क्या है ना, अभी हम लोगों ने फ्री सोर्स से कंपनी निकाला है। हेलो मिस्टर जॉन, हाउ आर यू टुडे? ओके, जॉन सर लगता है म्यूट पे, कोई बात नहीं। ऑल राइट, सो हम लोग ने यहाँ से जीरो दस के जीरो दस बोल रहा हूँ, मनी कंट्रोल से हम लोगों ने निकाला है। अभी यहाँ पर है ना हम लोगों ने इसको प्लॉट किया है, तो ये तीनों चार ये तीनों लाइन जो है ना मूविंग एवरेज हम लोग प्लॉट करेंगे ना तो सीरीज में होना चाहिए। सीरीज में कैसे? सीरीज के जो इसका रेट है अभी, जैसे यहाँ पर रेट दिख रहा है आप लोगों को 17,252। एक्नॉलेज मी? यस। हाँ, सो ये रेट जो है 17,252, ये रेट है ना 200 के ऊपर होना चाहिए। ऑल राइट, और उसके बाद में 100 को भी क्रॉस करना चाहिए और उसके बाद में 50 के आसपास या टच करना चाहिए। बाउंस हुआ? ओके, तो ये जो सारे 50, 100, 200 DMA का रेंज आपने दिया हुआ है, ये हाँ, प्राइस सारों को पार करके आगे जाना आगे चाहिए। जाना चाहिए, वेरी गुड। ओके। अब मालूम क्या, देखो मैंने यहाँ पर जो लाइन है ना यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, अभी ये जो इसका भाव है अभी देखो, लेकिन ये सीरीज में होना चाहिए। सीरीज लाइक सीरीज यानी कि 200 के ऊपर, उसके बाद में सेकंड आएगा नंबर 100 का, फिर 50 का। ऑलराइट, तो ये अपवर्ड जाना चाहिए या अपवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड? अपवर्ड अपवर्ड। अब देखो यहाँ पर 200 DMA का लाइन का जो है वो हाईलाइट हुआ थोड़ा रेड में, दिख रहा है? और उसके नीचे है ना 50 वाले का लाइन है, हाईलाइट करता देखो उसको भी। देखो 50 वाले का लाइन नीचे, यानी 50 को क्रॉस किया, 200 क्रॉस किया उसने, अभी इसने 100 क्रॉस नहीं किया है, तो ये शेयर्स लेने जैसा नहीं है। ओके। बाउंस हो गया ना? हाँ, वेरी गुड। क्या करना चाहिए देखो, 200 एकदम नीचे होना चाहिए। ऑलराइट, जैसा कि ना इसमें नहीं है, हम लोग मान लेंगे कोई और कंपनी लेंगे ना, जैसे कोई कंपनी का नाम बताओ उदय। SJVN लेते हैं, एसजेवीएन SJVN। तो एक छोटा सा चीज मेरे को बस क्लैरिस को बताना था कि जो वो लाइन है ना क्लैरिस, 200 का लाइन, 100 का लाइन, 50 का जो भी लाइन है, वो लाइन है ना एक सीक्वेंस में होना चाहिए। जो सबसे बड़ा है 200, वो नीचे रहना चाहिए। 100 गॉट इट। का लाइन उसके ऊपर रहना चाहिए, 50 का लाइन उसके ऊपर रहना चाहिए, और उसके ऊपर तेरा प्राइस अगर है या 50 को क्रॉस करता है एक सीक्वेंस में, तो वो तेरे लिए बेस्ट पिक रहेगा वैसे। अब देखो तो क्लैरिस, सारे जो शेयर रहते हैं उसमें 200, 100 एंड 50 का ही DMA हाँ रहता है? हाँ DMA उस पे बहुत सारे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, बट व्हाट वी विल गो अकॉर्डिंग टू अवर क्राइटेरिया के 200 क्या होता है देखो, आई विल टेल यू वन थिंग, मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ। हाँ, इसमें क्लैरिस आर यू लिसनिंग मी, आई एम ऑडिबल ना? यस यस यस। हाँ देखो, एक महीने में मानो क्या 20 सेशन होते, 20 से कभी कभी 22 होते। ऑल राइट, तो 100 सेशन के लिए, 200 सेशन के लिए डिवाइड बाय 20 सेशन, यानी 10 मंथ्स लगता है, राइट?
तो 10 महीने से अगर से कोई कंपनी ने कोई अच्छा पॉजिटिव एक्शन दिया ही नहीं है, आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी? नो, 10 महीने से कोई ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, तो उसको क्या इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर? यस, सो 200 DA में जो है वो 10 महीने से उस कंपनी ने कुछ किया नहीं तो ऊपर आ रही है, तो ओके फाइन ऊपर आ रही है यानी कि वो अब 100 को टच करेगी. सो व्हाट वी कैन डू, एक प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं हम लोग, 100 के पास में भी आती है ना कंपनीज तो हम उसको बाय कर सकते हैं. ओके, 100 के पास में भी अगर अच्छा कंपनी है तो हम उसको बाय कर सकते हैं. बाय करने के बाद में हम लोगों को वो 50 तक भी जाता है और फिर हम लोगों को प्रॉफिट आता है 10-20% का जो भी आता है. So, ये जो 200, 150 है, ये सारे time gaps हैं. Time gaps है, right. Performance of the company during this time. Okay. Right. And after that, what we will do, we will be plotting MACD over here. ठीक है, नीचे MACD जैसा कि मैंने यहाँ पर studies में दिखाया था, this is MACD. You can see my cursor. तो this is MACD. So, MACD हम plot करेंगे, तो MACD में क्या होता है कि यहाँ पर देखो red और black line है. तो रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है ना ब्लैक लाइन, जैसा मैंने हाईलाइट किया और क्रॉस करने की ये ना उसमें है कि मतलब अभी क्रॉस करने वाला है. सो इट्स अ पॉजिटिव साइन अगेन. सो दिस इज सेकंड क्राइटेरिया वी आर मीटिंग अप. नहीं, व्हाट इज रेड, व्हाट इज इक्वल टू रेड एंड व्हाट इज इक्वल टू ब्लैक? देखो ये एमएसडी है, एमएसडी में कैसा होता है कि ना ये एक है ना वो है प्रपोज, इसके ऊपर एक अलग लेक्चर लेना पड़ेगा. मूविंग एवरेज कॉन्ट्रेंट और ये सब डेविएशन जो होते हैं इनका एक कंप्रेस करके ना ये ग्राफ बनता है. ऑलराइट, मूविंग एवरेज जो हम लोग ऊपर देखते हैं उनको सबको कंप्रेस करने के बाद में. ऑलराइट, सो व्हाट इज ट्रस्टवर्दी, रेड और ब्लैक दोनों ट्रस्टवर्दी है? दोनों ट्रस्टवर्दी है, बट ब्लैक लाइन शुड क्रॉस ओवर द रेड वन. ओके, जैसा कि यहां देख रहे हैं हम लोग. So if red and black are intersecting, then I can trust that company. Yes, 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 yes. But if they are going solely alag alag apne line pe chal rahe hain, I cannot trust. No, no, you cannot trust. And if black line crosses over red one, then only we can trust that graph ki company upar jayega. Okay. Haider bhai, ek query tha. ब्लैक लाइन जो है वो क्रॉस करके रेड के ऊपर जाना चाहिए ना, ब्लैक ऊपर रहना चाहिए और रेड नीचे रहना चाहिए, बराबर? नीचे रहना चाहिए. जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? यहाँ पर ना ये जो है आई थिंक फरवरी 4 को इसने क्रॉस किया, तो इसका भाव कितना था? 25 रुपीज. और उसके बाद में जब है ना इसने एक पीक मारा क्रॉस करके ऊपर जाते रहा, तो यहाँ पर देखो 28 का भाव आ गया. ऑलराइट, 4th of February से 19th of February को उसने टॉप मार दिया. From 21, from 24, 21 to 23, वो 28 तक चला गया. Alright? Bounce हो गया ना? Right. Very good. Bounce हो गया. नहीं 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 नहीं, मुझे bounce नहीं हुआ, मैं समझ गई. Okay. So देखो अभी यहाँ पर मालूम कैसा है, इसके साथ में हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, थर्ड क्राइटेरिया आर एस आई. देखो यहाँ पर जब ये ब्लैक लाइन क्रॉस ओवर हो रहा था तो यहाँ पर RSI कितना था? 53. RSI का एक सेगमेंट नीचे हम लोग लगाते हैं, जैसे यहाँ पर स्टडीज में जाकर यहाँ पर RSI को हम लोग क्लिक करेंगे क्लैरिस. तो RSI क्लिक करने के बाद में जब ना ग्राफ प्लॉट होगा तो इस तरह से होता है. सो विल सी हियर, देखो यहाँ इंटरसेक्ट होकर ऊपर की तरफ जाने के लिए मूवमेंट दे रहा था. यहाँ पर इसका RSI कितना है? 5151. इज इट विजिबल? यस. हाँ, तो 51 से ये कितने ऊपर गया देखो, 66 तक. तो मैं तो यहीं पर एग्जिट ले लेता था 27 के भाव में, लेकिन नहीं. तो व्हाट दिस RSI? RSI इज द रेट. नो, इट्स अ कॉल रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स और कंपनी. स्ट्रेंथ मींस अभी जैसे अभी रमजान चालू है, हाँ, तो अभी मैंने सवेरे 4 बजे सहरी कर लिया है, लेकिन 12 बजे तक मेरी ताकत रहेगी. राइट, रॉन्ग? फिर 2 बजे 3 बजे के बाद मैं डाउन होते जा रहा हूँ. Yeah. तो मेरी ना स्ट्रेंथ कम होते जा रही है. तो मैं इसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो आप लोग मान, जैसे कोई कंपनी का एक स्ट्रेंथ होता है कि वो उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, तो वो कितना ऊपर जा सकता है, और एक पर्टिकुलर लेवल पे है ना जो कि डिसाइडेड है 100, 0 to 100. ऑलराइट, लेकिन वो 80 के ऊपर है ना हर स्टॉक को खतरा रहता है, 80 के ऊपर. ओके,
एंड हाउ डज दिस स्ट्रेंथ गेट डिटरमाइंड, ये कौन डिटरमाइन करता है ये ग्राफ, ये जो रेड एंड ब्लू लाइंस है जो एमएससीडी है वो डिटरमाइन करता है इसका फॉर्म? नहीं, एमएससीडी डिटरमाइन नहीं करता है इसका, सबका अलग अलग कैलकुलेशन है, फॉर्मूलाज है। सो वो पहले के ज़माने में सब हम लोग कैलकुलेट करते थे, और जैसा कि मैंने आप लोगों को दिया है वो एक फॉर्मूलेटेड शीट दिया है। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर ब्लैक मार्क ऊपर है रेड मार्क से एमएसएडी में, ठीक है, तब जाके इसका रेट ऊपर जाएगा इन दिस, व्हाट इज दिस कॉल्ड, आरएसआई। आरएसआई ने ये मतलब ये ऊपर जा रहा है तो आरएसआई का अलग कैलकुलेशन है। इफ आरएसआई इज आल्सो स्ट्रांग सो यू कैन एंटर इट। अभी फॉर एग्जांपल यहां देखो ना, यहां पर टॉप मारा उसने कितना, 28 का भाव टॉप मारा, तो यहाँ पर RSI भी देखो एकदम टॉप पर है 76, एंड प्रीवियसली RSI, क्लारिस तुमको कंफ्यूजन हो रहा है, मैं तुमको नहीं समझ गई मैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ जो ट्रेंड है, अगर ब्लैक मार्क जो रेड मार्क से ऊपर है तो RSI जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट राइट, और अगर रेड ग्राफ नीचे है ब्लैक के तो RSI जो रेट है वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। सो वो स्ट्रेंथ है ना, जैसे जैसे क्या होता है देखो, इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ कम होगी तो ऊपर ऑब्वियसली, यहाँ पर देखो ये जो सेक्शन में मालूम क्या बाइंग और सेलिंग होती है ना, ये सेक्शन में जब ना चार्ट है ना जो बार है रेड होता है, यानी वहाँ सेलिंग आ रही है, तो सेलिंग आ रही है यानी कि RSI ऑब्वियसली वीक होने वाला है, तो यहाँ पर देखो गिरते चला जा रहा है, तो एमएससीडी लाइन भी गिरता है, सब एवरी थिंग यू नो सब साथ में चलते हैं। यस ओके गॉट इट, ये कांसेप्ट क्लियर हुआ? Got it, yes. So this is a free source. जिन्होंने मीटिंग अभी ज्वाइन की है वो सुन पा रहे होंगे मुझे, तो ये फ्री सोर्स है मनी कंट्रोल का, जहाँ से है ना किसी भी हमको रिसर्चर की जरूरत नहीं है ना किसी एनालिस्ट की जरूरत है, ये एकदम फ्री सोर्स है, यहाँ से कंपनी उठा के सीधा है ना हम लोग खरीद सकते हैं, लेकिन 200 है, यहाँ 150 DMA है, यहाँ 50 DMA भी है, ये क्या हो गया? हाँ यार देखो 50 DMA पे अभी मैंने क्लिक किया है, तो 50 DMA का एक कंपनी हम लोग ले लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर कौन सा कंपनी लेके जिसका परसेंटेज ऑफ चेंजेस है ना इतना ज़्यादा नहीं, 5% में, मरीन इलेक्ट्रिक, बोर हो रहा है क्या सबको? नहीं ना इधर भाई, एक क्वेरी था हमको, ये जो गो अहेड, ओके, वो 5% का चेंज के लिए क्यों देखा आपने इधर भाई, मतलब रैंडम स्टॉक भी पिक कर सकते थे? सेम क्वेश्चन, 5% चेंज मतलब 50, मतलब आपने पिक किया कि 5% के आसपास, ऐसा क्यों आपने पिक किया वो, मतलब किधर पर, ये मनी कंट्रोल में आप मरीन, हाँ अभी यहाँ पे मरीन इलेक्ट्रिक पिक किया उसको 5.82% चेंज पे आपने पिक किया। ओके ओके ओके, दिस वन, ये तो मैंने इसे रैंडम उठाया है, इसने 5% का मूवमेंट दिया है, देखो जो सबसे कम मूवमेंट देता है ना हम लोग उसको उठाते, चलो 5%, देखो कम मूवमेंट दिया है यानी कि उसके अंदर कुछ है ना हरकत हो रही है। एक बात बताता हूँ देखो मैं अभी, है ना ये मंडे के दिन है ना मार्केट गिर गया, धड़ाप धड़ाप गिर गया मार्केट, 500 पॉइंट निफ्टी गिर गया, आप लोगों ने सबने देखा होगा। तो yes, ये yes. बहुत लोगों का मैसेज आया कि जो भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स वगैरह है और जैसे आप लोगों के जैसे स्टूडेंट्स वगैरह है सब, तो सबका मैसेज आया, उदय का भी आया कि मार्केट क्यों गिर रहा है। तो मार्केट क्यों गिर रहा है ये हमको बाद में पता चलता है, राइट? करेक्ट। और मार्केट क्यों बढ़ रहा है क्लैरिस, ये हमको बाद में पता चलता है, राइट रॉन्ग? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चार्ट देखते हैं, चार्ट का मूवमेंट, हाँ जैसे अभी चार्ट का मूवमेंट यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर खुला हुआ है, मतलब जो भी था अभी हमने देखे DMA RSI ये सब स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने अपना एक डिसीजन लिया, और एम आई गोइंग फास्ट? नो, हाँ नो यू आर नॉट, हमने अपना डिसीजन ले लिया कि हमने बाय करना है या एग्जिट कर लेना है, तो ये हमने ग्राफ को देख के लिया। द मेन थिंग इज दैट फंडामेंटल तो चलता है, ग्राफ को भी चलाना पड़ता है, ग्राफ को हमने देखने के बाद में पता चलता है कि इसमें क्या मूवमेंट हो रहा है, तो हमने उस हिसाब से एंट्री और एग्जिट ले लिया अपना। जब एंट्री एग्जिट ले लिया हम लोगों ने, तो हम लोगों को बाद में पता चलने में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कंपनी क्यों गिर गई और ये कंपनी क्यों ऊपर आ गई। ऑलराइट, तो व्हेन यू से 5% तो व्हेन यू से, सो लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन, मे बी आई एम ट्राइंग टू पुट इट डिफरेंटली टू यू। अभी जैसे 5% का आपने बोला चेंज है, दिस इज यू विल गो विद कंपनीज हु आर गिविंग मिनिमम चेंज, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम चेंज व्हाई? बिकॉज़ नाउ ये मिनिमम चेंज जो है ये डाउनवर्ड्स चेंज है या दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड मिला के, मतलब कैसा? वी आर ऑलवेज बुलिश,
तो हम लोग है ना सिर्फ बाय करेंगे, तो हम लोगों को बाय करने के लिए अपवर्ड मूवमेंट ही रहेगा तो ही अच्छा है। करेक्ट। तो ये चेंज किससे डिटरमाइन होता है, अपवर्ड से, डाउनवर्ड से, या दोनों से? मतलब चेंज ऊपर और नीचे नहीं, दोनों नहीं, हुआ ये तो भी वो चेंज में काउंट होता है? यहाँ पर देखो जैसा चेंजेस दिया हुआ है, तो दिस चेंज इज व्हाट चेंज, दिस इज पॉजिटिव चेंज एंड नेगेटिव चेंज विल बी इन माइनस अभी, लेकिन इसमें ओके ओके माइनस में ओके दिखा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना ऑलरेडी सब है ना 50 DMA के आसपास ही चल रहा है। ओके ओके, अब यहाँ पर हम लोग सबसे कम चेंजेस वाला ले लेंगे। चलो यहाँ पर 1% चेंज दिया है शिल्पा ने, ठीक है, शिल्पा को लेंगे हम लोग, एक एग्जाम्पल है। हाँ ये शिल्पा अच्छी कंपनी है नहीं है आई डोंट नो, लेट्स सी। अभी ये शिल्पा को हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर, विजिबल। यस अब देखो इसके अंदर क्या है, शिल्पा ने ब्रेकआउट तो दिया है लेकिन उसने 50 का दिया है, 100 को भी क्रॉस नहीं किया, 200 को क्रॉस नहीं किया है, तो ये हमारे लिए क्राइटेरिया में बैठता है क्या? नहीं। वेरी गुड, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे। एंड मोर ओवर आई सी कि इनका ग्राफ, मतलब ये रेड वाला जो है वो ऊपर है अभी कंसिस्टेंटली राइट थोड़े राइट, टाइम से, तो ये सो कंपनी इट्स बहुत नॉट। ज्यादा डब्बे में है। सॉरी अगर शिल्पा के कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुन रहे होंगे तो, बट ये कंपनी टेक्निकली इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, दैट्स व्हाई, और ये स्टडी पर्पस के लिए है, तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट। एनी विच वे देखो इसका 478 का भाव था एंड अभी 381 का है। हम लोग इसी ग्राफ को पीछे जाके देखते हैं जहाँ पर हमको तीनों चीज है ना सिक्वेंस में मिले, जैसा यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, मैं सर्कल बनाता हूँ, वो सर्कल कहाँ बनता है उधर, ये सर्कल ना, हाँ, नीचे, हाँ वही है। हाँ अभी देखो कहाँ सिक्वेंस किधर मिल रहा है हम लोगों को, 50 वाला इधर मिल रहा है, फैन कितने बंद के लिए? सर्कल यार, ये सर्कल हमेशा प्रॉब्लम देते हैं यार, है ना। आप एक ना साइड में बनाओ और बनाने के बाद उसको वहां पे ड्रैग करो, वैसा भी कर सकते हैं, एक डबल का ट्रिपल क्लिक है ना। क्या मालूम कितना क्लिक है, हो ही नहीं रहा इसको। हाँ अभी शायद आएगा, बन गया, देखो बन गया बन गया बन गया, नीचे आया देखो लेफ्ट साइड में। इसको हाँ ड्रैग कर बस, सकते हैं ना। हाँ, ड्रैग करके उधर लेके जाओ। हाँ बस, हाँ एवरीवन कैन सी नाउ दिस पॉइंट, यहाँ पर देखो नीचे मालूम क्या 100 DMA 200 DMA नीचे है, फिर 100 है, फिर 50 है, तो अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो रेट है 50 क्रॉस किया इसने, तो 555 पे इसने क्रॉस किया 50 को, तो हमने अगर पोजीशन लिया, क्लरीज एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर। अभी यहाँ पर देखो भाव देखो 555 553 है, ऑल राइट। अभी RSI भी ऊपर है, और अब मालूम क्या ये देखो MACD भी ब्लैक वाला ऊपर जा रहा है, राइट रॉन्ग? हाँ अब RSI इस पे कितना था, 54। ओके अब हम लोगों ने यहाँ पर समझो एंट्री लिया, तो यहाँ से हम लोग ऊपर तक जाते जाते हमने समझो इसको बेचा, कितने में बेचा हम लोगों ने इसको, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ एग्जिट ले लिया 598, यानी वी गॉट अप्रोक्सीमेट 10%, करे क्लैरिस बाउंस हो गया। नहीं, हाँ 10% समझ। हमको प्रॉफिट आया। अब हम लोग को एग्जिट कब करना है वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एग्जिट कब करना है, जैसे हमने एंट्री लिया यहाँ पर तो ये 51 54 के आसपास था RSI, अब यहाँ पर सबसे टॉप RSI है उसका 63, सो हमारा क्या रहेगा 50 से एंट्री, 50 to 55 RSI पे लिख लो क्लैरिस, तुम भूल जाओगे ओके RSI अगर से 50 है, 50 और 55 कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक जो हम चूज कर रहे हैं, तो हम उसमें एंट्री ले लेंगे, और हम लोगों को ज्यादा पैसा का लालच नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उसे हम एग्जिट करेंगे 60 to 65 के बीच में, कोई भी पॉइंट पे 60 to 65 के बीच में हम कोई भी पॉइंट पे उसको एग्जिट करेंगे, और स्लैश डालो इसके अलावा अगर हमारा टारगेट 7 to 10% अचीव होता है तो हम एग्जिट कर लेंगे, ओके ऑलराइट। हैदर भाई, मैं ये मुझे चीज अभी भी एक बार खाली एक देख, हाँ 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 बोलो बोलो बोलो, बोलो गो अहेड सॉरी गो अहेड, नहीं 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 सॉरी, बोलो बोलो, आई गो अहेड गो अहेड, स्टिल हैव वन डाउट, यस व्हाई व्हेन यू सेड यू विल सी द कंपनीज और हम्म, यू विल पिक द कंपनीज हु हैव वेरी मिनिमम चेंज, राइट व्हाई वुड यू डू दैट?
अगर चेंज अपवर्ड है तो हम वो कंपनीज क्यों ना चूज करें जो डबल डिजिट्स में है, जो हमें ऊपर दिखा रहा था अराउंड 16 या 11% की कंपनीज थी. आपने वो कंपनीज क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि उनका ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है और उनमें ज्यादा हलचल है. तो राइट, वेरी गुड. अब मैं बताता हूँ. देखो अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं मान लूँ कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी मैंने इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी ऑलमोस्ट 19% अप था वो कंपनी, ठीक है, और मेरी क्राइटेरिया को मीटअप कर रहा था. लेकिन है ना, मैंने अपना और मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स का जिनका मैं पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया. दैट कंपनी इज कॉल्ड एक्सिस बैंक. ओके, मैंने डाल दिया है उसको पैसे. अब देखो इसका यस बैंक का शेयर का भाव देखते हैं हम लोग. शेयर प्राइस मैंने लिया है 19 rupees में, 1919 में, और ये देखो कितना है. अप्रोक्सीमेट मेरे सारे क्लाइंट का और मेरा मिलाने के बाद में मान लो ऑलमोस्ट मोर देन 5 lakhs क्वान्टिटी पड़ा हुआ. ओके, 19 rupees के भाव में. ये मालूम किसने क्या किया था? आई विल टेल यू. सी ये ग्राफ है ना, मैं नॉर्मली आपको दिखाता हूँ. एक वन सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड, आई एम गेटिंग वन मैसेज. देखो अभी यहाँ पर इसने क्या देखा, ये कौन सा डेट है? ये डेट है 30th March. अब यहाँ पर इसने मानो जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया इस कंपनी में, तो दैट कंपनी यस बैंक वाज 19% अप. लेकिन वो क्राइटेरिया मीटअप कर रहा था, तो उसमें क्या हो गया, मैं ट्रैप हो गया ना अभी 5 rupees से. ओके, सो हम लोग ना ले सकते हैं, बट व्हाट वी विल डू, हम लोग छोटा छोटा गैप वाला कंपनी क्यों चूज करेंगे? क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है जो आने वाले टाइम में हमको बेनिफिट दे सकता है. ओके, समथिंग गुड इज हैपनिंग इन दैट कंपनी फ्रॉम मैनेजमेंट साइड और सेल्स साइड, व्हाटएवर दैट इज गोइंग टू बेनिफिट अस. तो दैट्स व्हाई वी हैव सिलेक्टेड दैट काइंड ऑफ कंपनी. लाइक 3-4% ऐसा रहेगा ना तो भी चल जाता है. उसमें अभी एंटर करके कुछ मतलब नहीं है, ऐसा बोल रहे हो? अच्छा, कंसोलिडेट करेगा ना, कंसोलिडेट करेगा. अभी मैं जिसको नहीं समझता कुछ देखे ना, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना ये बहुत हाई पे कंपनी आ गया. ऑलराइट, हम लोग का एक एग्जांपल चल रहा है. अभी आप ग्राफ में देखा, यहाँ पर इसने कितना मार दिया. अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि अगर कंपनी बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है तो इवेंचुअली वो नीचे आने वाला है, तो वहां पर रिस्क नहीं लेना है. कंफर्म आता है नीचे, क्योंकि कंसोलिडेट करता ही करता है वो भाव में, तो उसमें हम लोगों को लॉस हो जाता है. क्यों? हम लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, हम लोग को पता भी नहीं चलता हम कब उसके ट्रैप में आ गए. देखो ना, इसने मान लो कितना ऊपर मार दिया, इसने मारने के बाद में फिर नीचे आ गया. हर जगह देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ना रेड कलर का जो बार दिखा रहा है, ये 460 से लेकर एक ही दिन में मान लो क्या 410 आ गया. यानी एक ही दिन में 10-12% तोड़ दे रहा है. सो व्हाट्स द पॉइंट? अभी जैसे यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर समझो 420 है. एवरीवन कैन सी दिस. ये इसको हम लोग यहाँ लेके आते हैं. ऑलराइट, ये देखो यहाँ पर इसने क्या दिखाया है, यहाँ पर रेट क्या है, 430. ऑलराइट, 430 है. अब 430 ये एक ही दिन में इसने मारा 483. अब 483 यानी मोर देन यू नो वो 10% उसने गेन दे दिया. लेकिन उसके बाद वो ऊपर नहीं गया, वो कंसोलिडेट करते 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 देखो यहाँ पर आ गया. इट टुक यू नो ऑलमोस्ट 5-10 सेशन और वो 380 पे आ गया. हमारे खरीद भाव से भी नीचे आ गया. हम लोग यहाँ टॉप पे एंट्री मारते थे क्लैरिटी, तो हमें क्या होता था, हम लोग आज तक लॉन्ग होते थे. लॉन्ग यानी भाव आता ही नहीं. आज तक देखो भाव नहीं आया है, आज तक भाव नहीं आया, नीचे नीचे चले जा रहा है. ऑलराइट, ओके ओके. और एक चीज बता देता हूँ, साइड में लिख दो कि ब्रैकेट बनाकर उदय सबजन लिख लो, जो जो अभी वीडियो सुन रहे, कि जब भी कोई भी कंपनी अगर से अपने 200 हमारे परचेस करने के बाद में 200 DMA से नीचे जाता है, तो कितना भी अच्छा कंपनी हो, एग्जिट ऑल पोजीशन इन दैट कंपनी. नहीं, आई डिडंट गेट इट, रिपीट. गुड, वेरी गुड. क्या है ना, देखो कभी भी कोई कंपनी है ना, जैसे यहाँ पर देखो ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं, मैं हाईलाइट करता हूँ 200 DMA की लाइन को. ऑलराइट, अब यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर रेड मार्क, रेड बार जो यहाँ पर कर्सर दिख रहा है, यहाँ पर इसने 200 DMA का लाइन हाईलाइट किया. देखो मैंने 200 DMA को तोड़ दिया.
नीचे की तरफ तोड़ दिया, यानी 450 के आ गया। अब ये जब तक ऊपर नहीं आता हम लोग इसमें से पोजीशन नहीं खरीद सकते, तो हमको इसमें से एग्जिट हो जाना है। भले हमने यहाँ 50 DMA, देखो यहाँ पे पिंक वाला लाइन 50 DMA का क्रॉस करके हमको थोड़ा प्रॉफिट बुक नहीं कर सके, हम लोग भूल गए और वो लाइन नीचे आ गया, राइट। तो हमको यहाँ पर सेल कर देना है स्टॉक को, यानी हमारी पोजीशन एग्जिट कर देनी है। ओके ऑलराइट, तो यहाँ से क्या होगा, ये नीचे देखो, उसके बाद इसने 200 DMA को कभी टच ही नहीं किया और ये इधर नीचे आते गया। नो डाउट हमको मनी कंट्रोल से कंपनी मिला है, कंपनी में मालूम क्या, हम लोग मालूम 50 DMA क्रॉस कर रहा है तो एक अच्छा पॉइंट होगा, कंपनी कुछ अच्छा काम कर रही होगी। बट हमारे हम लोग टेक्निकली इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे क्राइटेरिया को मीटअप नहीं करता है, क्योंकि हमको ये ना सीधा साधा काम करना है, 200 के बाद 100, 100 के बाद 50, ज्यादा प्रॉफिट नहीं करना हमें। ओके, और एक चीज मैं क्लियर करता हूँ लास्ट लेक्चर से, वो ये कि हम लोगों को हमेशा 5-8% पे निकल जाना है। इसका लॉजिक पता है ना, तुमने देखा होगा वीडियो में, लास्ट वीडियो में कि नहीं? 5-8% पे हमेशा एग्जिट करना है, हमेशा एग्जिट कर देना है 5-8% पे। आई विल टेल यू व्हाई। अभी मैं शीट खोल देता हूँ, वापस सब चीजें अगर रिपीट होती तो कोई टेंशन तो नहीं, मजा तो आ रहा है ना उदय? अरे हाँ मजा आ रहा है, उल्टा अच्छा है मेरे लिए, रिवीजन हो जा रहा है। मेरे को पता है बहुत, मैं पकाता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि है ना मेरा मालूम क्या, दिस इज नॉट माय जॉब, दिस इज माय पैशन। मैं जब है ना 11th स्टैंडर्ड में था ना, तो लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा 10,000 रुपए है ना एक ने लिया था कि चलो तुमको ट्रेडिंग कराता हूँ, और उस टाइम पे ना वो 10,000 लेके वो भाग भी गया। When I was in 11th standard, FIJC था। तो that time से मेरा passion में है, मैं इस accounts की book के ना back side पे मैं economics times से ना ले लेके ना सब भाव लिखते रहता था। Now see, let me show this example, मैंने last week भी दिखाया था lecture में, अभी देखो। For example, if you are investing 1,000 rupees, all right? This is your investment. Is it visible? Yes. Okay. हाँ हाँ. अभी ये परसेंटेज रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना लेते हैं, हम लोग लेते हैं चलो 5% रिटर्न लेते हैं या 7% रिटर्न लेते हैं, ठीक है? तो फॉर्मुलेट कर देते हैं इसको इनटू दिस, इनटू 7%, ऑलराइट, डिवाइड बाय 100, तो ये 70 रुपीज आ गया। इधर नहीं है, ओके, टोटल राइट नाउ, अभी यहाँ पर ये क्या होगा हमारा कैपिटल, हाँ, प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारा इन्वेस्टमेंट ये, दिस इज द फर्स्ट मंथ, ऑलराइट, ये फर्स्ट मंथ। अब हम लोगों को एक साल का रिटर्न देखना है। परसेंटेज में आपने 70 डाला, व्हाट डज दैट मीन? 70 नहीं, 7 7% ना, 7% मंथली रिटर्न। ओके, अभी हमारा समझो ये 1-2-3 क्यों नहीं आ रहा यार, ये क्या हो गया शीट को? पहले आपको 1-2 डालना पड़ेगा और उसके बाद ड्रैग करना पड़ेगा। हाँ, 1-2 डाल के अभी दोनों पकड़ के ड्रैग करो, पहले दोनों को पकड़ो, दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 1-2 को सिलेक्ट करके फिर रेंज क्लिक करो। हाँ अभी खींचो, मुझे भी सीखने मिलता है, मैं रोज कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। देखो अभी ये हो गया, अभी दिस सेक्शन, अभी हमारा जो इन्वेस्टमेंट था, तो अभी सेकंड मंथ में हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 1070, बाउंस हो गया ना सबको, मैं समझा देता हूँ अभी। यस, समझ गया, समझ गया ना, तो ये फर्स्ट मंथ का इन्वेस्टमेंट है। अब ये इन्वेस्टमेंट है ना, हम लोग 12 मंथ तक लेके आते हैं, ये क्या हो गया, फॉर्मूले की लग गई। सेकंड वाला भी लगाओ आप, हाँ अभी देखो यहाँ पर हमने ना 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था, ऑलराइट, फर्स्ट मंथ में, तो 1,000 रुपीज जब हमने इन्वेस्ट किया था, तो अब वो 12th मंथ के अंदर कितना बन गया है? 2252 2000, Clarice are you there?
हाँ देखो, 1000 रुपीज हमने स्टार्ट किया था ये समझो मंथ ऑफ जनवरी में, तो ये हमारा 1000 रुपीज था। और हमारा 1000 रुपीज मंथ ऑफ दिसंबर में कितना हो गया? 2252, यानी हमारा पैसा डबल हो गया एट द रेट ऑफ 7%। गॉट बात इट. तो ये देखो, ये है ना, ये हमारा रेट है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 100% हमारा पैसा है ना साल भर में कंसिस्टेंटली और रिलीजियसली हम लोग कुछ भी ऊपर नीचे ना करते हुए सिर्फ 7% लेते हैं। तो और कभी कभी कंपनीज है ना हमको है ना मंथ में 10-10% भी देती है, कभी कभी है ना कंपनी हमको 5-5% के दो शॉट भी मिलते, दो तीन शॉट भी खेलने मिल जाते हैं। उदय ने तो एक्सपीरियंस किया होगा है ना उदय? हाँ हाँ, तो कभी कभी है ना हमको एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाते हैं। तो ये पैसे मालूम है क्या, समटाइम इट गोज टू 3000, लाइक 3 times योर मनी। और ये हम लोग है ना, ये हम लोग ट्रेडिंग में कर रहे हैं। और अगर से हम लोग किसी कंपनी का हाई लो वगैरह देखेंगे ना, तो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर से हमने कोई भी कंपनी हम लोग चूज करते हैं, जैसे कि अभी पायनियर कंपनी, ऑल राइट, इसको हम लोग चूज करके देखते हैं। हाँ इसका देखो अभी 52 week हाई लो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कहाँ गया। हाँ देखो 52 week हाई कितना है इसका, 48 है और 15 रुपीज। ये इस तरह की कंपनी हमको बहुत कम मिलती है, राइट? करेक्ट. क्लैरिस बाउंस जा रहा है ना तुमको? हाँ, बाउंस जा रहा वेरी है. गुड वेरी गुड। देखो एक हमारा सिस्टम है जिसमें हम लोग 5-8% लेके प्रॉफिट निकल जाते हैं, घर चले जाते हैं अपना दूसरी कंपनी में, हम अपने क्राइटेरिया के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट? तो वो हमारा एक सिस्टम है जिसकी वजह से श्योर शॉट हमको प्रॉफिट होता ही होता है, जैसा कि यहाँ पर चार्ट में दिख रहा है। ऑलराइट, अब एक कंपनी है कि हम लोग लेके बैठ गए, हाँ, और रोज हम लोग सो रहे, कंपनी को देख नहीं रहे, क्योंकि हमको पता है कि वो कंपनी ऊपर जाएगी। तो वो कंपनी को ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं, हम लोग वी आर नॉट श्योर, राइट रॉन्ग। बट करेक्ट. हमको बताए, कोई बताता है बाद में यूट्यूब वीडियो पे या किधर, देखो अगर आपने इसमें 1000 डाले होते हैं, 1 lakh rupees डाले होते, तो आज आपका 50 lakh होता। अबे किसने डाला था? तूने डाला, किसी कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा सकता है, लेकिन कोई नहीं दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि किसको पता ही नहीं रहता कौन सा कंपनी कितना जाएगा। सही बात है. अभी एक कंपनी था, हम लोगों ने मानो क्या एक टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, तो थोड़ा लॉस में हम लोगों ने काट दिया था कंपनी को। वो कंपनी क्या नाम था, एक कंपनी था ना यार, 18-20 रुपए की, 15 रुपए की कंपनी थी उदय, इफ यू रिमेम्बर, हाँ आई रिमेम्बर, सरला पॉली. सरला पॉली, तो सरला पॉली क्या, फिर हम लोग को मालूम क्या, 20 रुपया, 18 रुपया, वो आ गया 17 रुपए पे, हम लोगों ने ना स्टॉप लॉस काट दिया। अब स्टॉप लॉस काटने के बाद में वो कंपनी वो गया भी 30 रुपए तक ना, शायद ऐसा कुछ था। गया 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 25-26 के ऊपर गया. हाँ तो वो हम लोग को पता नहीं होता है व्हेन इज गोइंग टू गिव अस प्रॉफिट। और हम लोग ने अच्छा खासा होल्ड करके रखा था अच्छा उसको. होल्ड किया था हम लोगों ने, लेकिन मालूम क्या, वो है ना कब, हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कब जाने वाला है, क्योंकि ग्राफ में वो खराब दिख रहा था, तो एग्जिट कर लिया था हम लोगों ने। ओके. ऑलराइट, तो ये क्राइटेरिया है हम लोग का जिसके हिसाब से हम लोग है ना ट्रेड करते हैं। तो वो मालूम, वन सेकेंड है, वन सेकेंड। सो उदय, मॉरल ऑफ द स्टोरी, 5-7% का टारगेट ही लेके एक चलना मिनट है, नॉट रुको, टू बी वेरी प्लीज ग्रीडी आंसर काइंड मेरी ऑफ. अगेन हाँ करेक्ट करेक्ट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बहुत ऊपर जा सकता है, बट देन हाउ विल यू कम टू नो कि मुझे कब बेचना है. कल परसों अगर कुछ एग्जैक्टली. भी बैड न्यूज आ गया और धड़ाधड़ गिरने चालू हो गया, एंड इफ यू आर इन द मिडल ऑफ समथिंग, इफ यू आर बिजी एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सेल योर स्टॉक, तो गया ना पूरा मेहनत पानी में. सही तो बात इसीलिए है. छोटा मोटा जो भी लेके निकल जाने का. जो प्रॉफिट आता है ना वो प्रॉफिट अपन लेके निकल जाने का. अब इसके अंदर देखो और एक क्राइटेरिया हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, वो क्राइटेरिया क्या था उधर, इफ यू रिमेम्बर? इसके अंदर अपना ये फंडामेंटल्स को लेके ना, फंडामेंटल ईपीएस देखने का. हाँ हमने तो ईपीएस इसके आपने अंदर बताया था चेक करने के हम लिए, लोगों ने मनी कंट्रोल के बीएससी के वेबसाइट पे देखा था. बीएससी के वेबसाइट पे देखा था. एक बात बताओ ना सर, ये हाँ 7% का जो टारगेट है, ये आप मंथली टारगेट बोल रहे हो क्या? हाँ ये मंथली टारगेट और ओके, इतना सो लेट्स आता से है. मैंने 1 तारीख को मैंने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो हाँ मैं मंथ का टारगेट 7% का लेके चलती हूँ. अगर मंथ के एंड तक 5-7% के बीच में होता है तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगी. स्क्वायर ऑफ कर देने का, और पता है कभी कभी 3-4 दिन में आ जाता है, और कभी अच्छा. कभी यू गेट 2 times टू प्ले इन दिस दिस थिंग इन अ मंथ, 2 बार कभी कभी है ना ऐसा खेलने मिलता है कि नहीं उदय? 2 बार मतलब
टू टाइम्स यू कैन एंटर इन एनी कंपनी, अदर कंपनी ऑल्सो यू यू माइट गेट. सी इफ यू हैव एंटर्ड इन रिलायंस, एग्जाम्पल रिलायंस में लिया तुमने 7% अचीव किया, तुमने एग्जिट कर लिया और उसके बाद में तुमको और एक कंपनी मिल गई जैसे SJVN, उसमें 5% मिला तुमने अचीव कर लिया. सो व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न? तुम्हारा रिटर्न अभी पहले 7% था और ये प्लस 5, तुमने 12% रिटर्न किया. तो ये कभी कभी ज्यादा भी होता है, कभी कभी कोई कोई महीने हम लोगों को पूरा महीना लग जाता है 5% के लिए भी. ओके, ना फ्लक्चुएट होते रहता है बट वो हो जाता है. ठीक, अभी तक क्लियर है ना पॉइंट? जी जी जी, सब समझ में आया. सब तो समझ में आ रहा है मिस्टर शेख, तुमको भी आ रहा है ना? हाँ. और मिस्टर जॉन कहाँ चले गए? मिस्टर जॉन गए घर पे. ऑल राइट, एनी विच वेज अभी दूसरा का BSC के वेबसाइट पे था ना उदय वो? हाँ हाँ हाँ. तो यहाँ पर हम लोग का एग्जांपल में जो कंपनी है, कौन सी कंपनी थी ये? शिल्पा. शिल्पा को हम लोग देख लेते हैं एक टाइम और. ठीक है, अभी क्लैरिस ये सेकंड पार्ट चालू है फंडामेंटल का. ओके, बट इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स आवर, इट्स इन आवर क्राइटेरिया. ओके, देखो शिल्पा मेडिकेयर, शिल्पा मेडिकेयर को मैंने क्लिक किया यहाँ पर, उसका ये BSC का वेबसाइट है, ये भी फ्री सोर्स है. तो BSC पे और वो मनी कंट्रोल पे सिमिलर ग्राफ दिखेगा? सब जगह सिमिलर दिखेगा. अपस्टॉक पे दिखेगा, जीरोधा पे, एंजल पे, सब पे. ओके, अब देखो इसके अंदर मालूम क्या हम लोग ने क्या देखा था, मैं भूल गया हूँ क्या देखा था हम लोग ने यार. फाइनेंशियल्स देखा था. अरे इसमें नहीं था फिर, वो इसमें था मनी कंट्रोल में. तो फिर फाइनेंशियल्स से इसमें. अच्छा, इसमें भी फाइनेंशियल्स मिलता है हम लोग, मैंने लास्ट एक लेक्चर में बताया था, उसके पहले के लेक्चर में, याद है ना? फाइनेंशियल्स मतलब अकाउंट्स, ईयरली अकाउंट, ईयरली एनुअल रिपोर्ट वगैरह जो होती है. ओके, अभी देखो ये शिल्पा का ग्राफ भी खुला है और हम लोग ने शिल्पा का है ना यहाँ पर चार चांद लगाए हम लोगों ने, ये भी किया है, बोल दिया है डेटा लोड होने में टाइम लगा रहा है. हाँ, अभी देखो यहाँ पर हम लोग किधर जाएंगे, भूल गया, देखा मैंने फाइनेंशियल्स. देखो फाइनेंशियल्स में जाएंगे क्लैरिस, यू कैन राइट द पॉइंट. हाँ, के मनी कंट्रोल में हम लोग ने शिल्पा की कंपनी डाला और फिर उसके फाइनेंशियल्स पे हमने क्लिक किया. और फाइनेंशियल्स में क्लिक करने के पहले हम लोग इसका ये भी देख लेंगे. थोड़ा ये लैग कर रहा है, कंप्यूटर स्लो चल रहा है मेरा. हाँ, अभी देखो यहाँ पर ना इसका हम लोग देखो, अभी ये EPS है, यहाँ पर EPS दिख रहा है, हाईलाइट कर देखो. फॉर्मूला भी है कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो ये EPS है, EPS इसका 221 है. और इसका रेट कितना था अभी हमने देखा था? 350 something. ऑल राइट, अब इसका EPS जो है और इसका PE देखो, PE 40 है, ये सेक्टर का PE है और इसका PE कितना है? 17 है. बाउंस जा रहे हैं ना? वेरी गुड, बाउंस जाना ही चाहिए. तो देखो अभी फॉर एग्जांपल इसका जो EPS है वो 221, ऑल राइट, 21.29. अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 21.29, ऑल राइट, दिख रहा है कैलकुलेटर? अब इनटू इस कंपनी का PE कितना है, इस कंपनी का PE कितना है? 17.94. 17.94 इसका भाव कितना है? 381. उदय तुमको बाउंस हुआ ना वापस आज? नहीं, आज बाउंस नहीं हुआ, समझ में आया. हाँ, सेकंड टाइम है ना, क्लियर हो गया. अभी क्या है ना क्लैरिस, इसका जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, वो है 21.29, यानी एक शेयर के पीछे ये कंपनी 21 रुपीस कमा रही है. ऑलराइट, और पी, ये जो पीई है ये इस कंपनी का पीई है, लेकिन इंडस्ट्री का पी कितना है? इंडस्ट्री ना 40 पॉइंट के ऊपर धंधा कर रही है, 40 पॉइंट के पीई के लेवल तक सेक्टर उसका धंधा कर रहा है. लेकिन PE जो है, देखो यहाँ पर गूगल में हम लोग कर देते हैं,
मैंने फॉर्मूला दिया, किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं उसके अंदर, है ना। सॉरी, एक महीना हो गया। देखो व्हाट इज पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। हाँ, अभी मैं ईपीएस भी डाल देता हूँ, क्योंकि वो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, वो घर पे अर्निंग पर शेयर इज फाइन, अर्निंग पर शेयर आई गॉट इट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। या हाँ, तो वो फॉर्मूला जो है एक टाइम उस पे ना थोड़ा काम करो, उसमें मालूम मेहनत करो थोड़ा, मालूम क्या अच्छा समझ में आएगा। बहुत मेरी मेहनत है उसके अंदर, 15 साल की है सर। मैं बैठती हूँ अभी। हाँ, फॉर्मूला देखो, ये पी है, पी 17 है उसका, यानी कि वो कंपनी अभी ये स्ट्रेंथ के हिसाब से आरएसआई नहीं है, लेकिन ये पी पे काम कर रही है। तो उसका भाव कितना था, 381। अगर से वो अपने सेक्टर के पीई को थोड़ा सा भी पुशअप करके कैच करने की कोशिश करती है तो उसका भाव क्या होगा, तो उसका भाव क्या होगा कि अभी ईपीएस जो है 21.29 है, ऑलमोस्ट डबल होगा, डबल से ज्यादा होगा। वाह 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 वाह, वेरी गुड, यू हैव बिकम एनालिस्ट नाउ। अरे ये चीज मैं कंफ्यूज हो गया फिर से, ये जो भी आपने बोला ना कि ये चीज बताता हूं। हाँ, देखो क्या है ना, ये ईपीएस जो है ना अर्निंग पर शेयर, यानी वो एक शेयर पे इतना रुपया कमा रहा है, ऑलराइट। उसको हमको हमेशा पीई से कैलकुलेट करना है कि उसका पीई कितना होना है, पीई के हिसाब से वो कितना है। तो हमने कैलकुलेट किया तो उसका भाव कितना आएगा, देखो 21.29 इंटू 17.94 इस कंपनी का जो पीई है, तो उसका भाव 381 है। तो उसका भाव 381 आज की डेट में फ्राइडे की क्लोजिंग का भाव है, ऑलराइट। ये पीई चेंज होता रहता है मंथली। अब अगर ये कंपनी का जो पीई है 17 है, कंपनी ने अगर मेहनत करके 40 पीई को कैच करने की कोशिश की या कैच नहीं भी कर पाई, 30 तक भी जाती है, तो कंपनी का ईपीएस सेम रहेगा, 29 इंटू 30 तक भी पहुंचती है ये कंपनी, तो ये कंपनी कितना रिटर्न दे सकती, कितना पहुंच जाएगा, 638। ओके, समझा समझा, डबल हो सकता है, डबल हो सकता, समझा। ओके क्लियर, एनालिस्ट क्लियर, यस सर, समझा तुम। हाँ, तो ये हम लोग एक ये भी पॉइंट लिख लो बुक के अंदर, हम लोग को ये भी एक देखना पड़ता है कि ये, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि व्हाई विल वी ऑलवेज मल्टीप्लाई ईपीएस विद पीई, व्हाट इज द लॉजिक, लॉजिक कैसा है ना, देखो ये जो प्राइस अर्निंग होता है ना, ये हाँ, ये मैथमेटिक्स में 2 2s are 4 होता है, हाँ 4 1s are 4 भी होता है, अभी 4 2s are 8 होता है, फिर 2 2 4s are भी 8 होता है, हाँ, तो आता है कहाँ ना कहाँ से। तो मैथमेटिक्स है ना, बहुत घुमा घुमा के ना सेम आंसर की तरफ आता ही आता है। तो हम लोगों को जो मैंने शीट आप लोगों को दिया है उसको जब कैलकुलेट करोगे, तो रात में जब हम लोग आइंस्टाइन बन जाएंगे ना, तो अपने आप सब फॉर्मूला इधर उधर जंबल करके एक आंसर पे आता है, एंड द डे विल कम व्हेन यू ऑल बी यू नो कमिंग अप विद न्यू काइंड ऑफ फॉर्मूला फॉर टू फाइंड अ बेटर कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट। और ये जो है ना ईपीएस जो है, ईपीएस उसका अर्निंग पर शेयर है, फॉर एग्जांपल उसका शेयर में 21 रुपीज कमा रहा है, और उसका जो प्राइस पर प्राइस अर्निंग है ये मालूम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो भाव है शेयर का आज के भाव से मैच होना चाहिए। ओके, आज के भाव। और सेक्टर पी यानी कि अभी जैसे कि हम लोग सब जन है, हम लोग सब जन को मिला के एक सेक्टर ले लें, हाँ, जिसमें मालूम क्या उदयना 10 का लिमिट है, 15 का है, मेरा 5 का है। तो अगर मैंने बहुत मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई किया, रिसर्च किया, तो मैं उदय को टच भी करूंगा तो मैं अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ कि नहीं। सही बात है, तो वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है और हम लोग को एक जजमेंट लेना पड़ता है। हो सकता है ये अगले साल तक ये कंपनी 20 तक भी नहीं पहुंचे, लेकिन एक जजमेंट के हिसाब से हम लोग एंट्री लेते हैं। लेकिन जब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे तो हम लोग को वो लग रहा है ग्राफ के हिसाब से एंट्री लेने जैसा भी नहीं है, ऑलराइट। तो अब देखो, अब इसके अंदर हम लोग इसके बाद में ये खाली स्टेप्स बता रहे हैं, कंपनी डब्बा कंपनी है लेकिन स्टेप बता रहा हूँ, उसके बाद हम जाएंगे फाइनेंशियल्स में। अभी तक सबको क्लियर है यहाँ पर ना? हाँ, फाइनेंशियल्स में हम लोग जब आएंगे तो रेशो पे क्लिक करना है, रेशो दिख रहा है, रेशो अब रेशो पे हम लोग आ गए। रेशो में हम लोग क्या देखे थे यार लास्ट टाइम, हाँ रेशो पे रिटर्न रेशो, रेशो पे रिटर्न रेशो दिख रहा है यहाँ पर, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। हाँ करेक्ट करेक्ट, ये रिटर्न रेशो देखा था, रिटर्न रेशो
रिटर्न रेशो पे हमने देखा, तो रिटर्न रेशो में हम लोग को क्या दिख रहा है? आरओसी 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 कितना इसका? 12 है। ये होना चाहिए मालूम क्या, ऑलमोस्ट मालूम क्या, 10 के ऊपर होना चाहिए, तो 12 अच्छा है। लेकिन रिटर्न ऑन असेट जो है वो 15 के अबाव होना चाहिए, तो बेस्ट कंपनी होती है। अच्छा, अब इस कंपनी का हम लोग कंसिस्टेंटली देखेंगे तो रिटर्न ऑन असेट गिरते चला जा रहा है। 2016 में 11.6 था, फिर 7.3 आया, तो वो उससे ऊपर ही नहीं आ पाया। लो मार दिया उसने लास्ट डेट 2019 में, कोविड का सुन के तुरंत बेहोश हो गया वो, 6.97 आया। तो ये कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ओके, अब मैं मालूम क्या यहाँ के बाद में, अभी हम लोग यहाँ से अब हम लोग चलते हैं कि कोई अच्छा अच्छा कंपनी मालूम क्या, ये हफ्ते के लिए हम लोग है ना हमारे ग्राफ क्राइटेरिया के हिसाब से देख लेते। अभी तक के कोई पॉइंट मिस आउट हुआ है तो ये टेल मी, मैं वापस कवर करता हूँ। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। ओके सर, मुझे एक बात बताओ, जैसे हाँ, मार्केट में हलचल होती है हाँ, उसके हिसाब से कैन वी टारगेट कंपनीज? लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल, आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग एनी सेंस। लेट्स से कि मार्केट में अभी जैसे कोविड हो रहा है, ठीक है, तो ऑल द मेडिसिनल कंपनीज आर डूइंग रियली वेल, सो डिपेंडिंग ऑन द सीजन कैन आई टारगेट सर्टेन कंपनीज? यस, यू कैन डू, यू कैन टारगेट दैट कंपनी, बट दैट कंपनी यू नो वो हमारा क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। जैसा कि अभी यहाँ पर ना ये क्राइटेरिया में नहीं बैठेगा तो हम लोगों का पैसा लॉस हो जाएगा। ऐसा मेडिकल सेक्टर में भी बहुत सारे कंपनी थे जिनको बेनिफिट नहीं हो रहे हैं। अभी जैसे आजाद पूना वाले के सेगमेंट में आग लग गया था पूरा फैक्ट्री में, ठीक है, फिर उसके बाद में मालूम क्या होता, उसका तो चलो वो तो प्राइवेट लिमिटेड है, वो तो मालूम क्या लिस्टेड भी नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा कोई कंपनी लिस्टेड होता उसका भाव गिर जाता। ऑल्दो उसके पास में पूरा इंडिया का पोलियो का दूसरा सब दवाई सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो लाइफ टाइम कर ही रहे वो, लेकिन वो भाव गिर जाता। गिरता नहीं गिरता? गिरता, यस। तो मालूम क्या हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से चलना चाहिए। जब यहाँ पर देखो, जैसा ये मैं नीचे लाता हूँ, चला गया ले। हाँ, ये देखो अभी यहाँ पर देखो, ये जो ब्लैक लाइन है वो MACD का नीचे गिर रहा है। हाँ, MACD का जो लाइन है वो नीचे गिर रहा है, यहाँ पर हाईलाइट हुआ, देखो क्रॉस किया, रेड को क्रॉस करके नीचे की तरफ गया। तो यहाँ पर एग्जिट कर लो, क्योंकि हम लोगों को है ना शादी नहीं करने का कंपनी के साथ में। हम लोग लाइफ टाइम, हम लोग जिंदगी में वादा किया है निभाते रहेंगे, तुम जीरो हो जाओगे तो भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, बिल्कुल नहीं। सही बात है, क्यों उनको छोड़ देना हमको, क्योंकि कंपनी में हमारा, हम लोग जज्बाती नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट है हमारा, वो हमारा पैसा लेके भाग नहीं जाए। देखो मेरा अभी थोड़ा ये स्लो चल रहा है, तो मैं अभी अभी कंपनी डिस्कस करने का, तो ये स्लो चल रहा है सब के ना। जी देखो, ये मेरा वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट पे भी जाने का, तुम लोग एक टाइम देखते रहने का। अच्छा, ये मेरा बहुत स्लो क्यों चल रहा है यार कंप्यूटर? आपने मल्टीपल टैब्स ओपन किए होंगे? हाँ, अपना कॉल भी चल रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, और आप दिखा भी रहे, प्रेजेंट भी कर रहे हो। बताओ, अब टैब्स, एक आध टैब्स आप बंद कर लो। हाँ बंद कर दो, ये आजकल का ये पेज बंद कर देता हूँ, मनी कंट्रोल खुला रखता हूँ, ये भी मनी कंट्रोल में BSC है। अभी देखो मैं बताता हूँ, अभी जो कंपनी में मेरा, मैंने इतने साल से जो फॉर्मुलेट करके ना, मैं फॉर्मुलेट करने के बाद मैं कंपनीज है ना शॉर्टलिस्ट करता हूँ। हाँ, तो वो कंपनीज है ना, मेरी कंपनीज और मनी कंट्रोल की कंपनी कभी मैप नहीं होती है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मैं, बिकॉज़ आप अपना रिसर्च अलग करके, उसमें मैं अपना फॉर्मुलेट करके रखता हूँ, तो वो हिसाब से वो कंपनीज आती है। अभी क्या हो रहा है, वेट खुल जा सिम। सो मे बी मनी कंट्रोल हैज देयर ओन फार्मूला और वो लोग टारगेट बेस नहीं है, आप अपना 5-7% हिसाब से जो कंपनी क्राइटेरिया मीट करती है उसके हिसाब से आप फिल्टर लगाते होंगे, राइट। अभी क्या, मनी कंट्रोल भी बहुत अच्छा कंपनी है, वेबसाइट है, लोग का खासा बिजनेस है, बट वो लोग क्या है ना, वो लोग का भी जो सिस्टम है उनका भी परफेक्ट है, बट देयर जो ओपन सोर्स में वो लोग दिखाते हैं, यहाँ पर ओपन सोर्स में वो लोग नहीं दिखाते, कि ओपन सोर्स में जिसको जो डेटा चाहिए वो उनके डेटा के लिए आ रहा है उनके वेबसाइट पे, तो वो डेटा लेके चला जा रहा है। सही बात है, लार्ज ऑडियंस टारगेट को, तो वो लोग है ना पर्टिकुलर एक चीज का है ना डेटा उसमें शो नहीं कर सकते। दे आर ऑल्सो हैविंग यू नो फाइन रिसर्च, इस जो कंपनी है उसमें फाइन रिसर्च करके उन लोग रखा हुआ है सब, तो वो हिसाब से वो लोग भी अपना अच्छा कर रहे, मगर
ये पेज नहीं खुल रहा है, घड़ी घड़ी इसको बंद करता, दूसरा खोलता हूँ। हैदर भाई एक बार ये ब्राउजर बंद कर दो, ब्राउजर बंद कर दो और फिर से ओपन कर दो। तो फिर मीट भी चला जाएगा? हाँ मीट आपका भी चला दूसरे ब्राउजर पे चल रहा है। चल रहा है दूसरे ब्राउजर पे? कैसे बता? नहीं नहीं इसी ब्राउजर पे, इसी ब्राउजर पे, इसी पे है। अच्छा एग्जिट कर दूं मैं वापस से? लिंक एक काम कर लो ना, एग्जिट करके रिजॉइन कर लो, एग्जिट करके रिजॉइन कर लो। एग्जिट भी नहीं हो रहा यार।